प्रिय साथियों, वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय हिंदी विशिष्ट, ये सैंपल पेपर 4 है। निर्देश हैं इसके, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, सालिम अली ने खोज की गोरैया की, फिन बया की, कौवे की, तोते की। नंबर 2, कवि वरदान मांग रहा है सरस्वती माँ से, लक्ष्मी माँ से, शंकर जी से, कृष्ण भगवान से। नंबर 3, कर्ता कारक की विभक्ति है को, से, के लिए, ने। नंबर 4, शांति निकेतन की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, बाल गंगाधर तिलक ने। नंबर 5, अवंतिका का वर्तमान नाम है उज्जैन, भोपाल, बनारस, जबलपुर। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, खालिस्तान विदा है। दौलत पाए न कीजिए, खालिस्तान में अभिमान। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है। 4, योगः खालिस्तान कौशलम। प्रश्न नंबर 3, अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला है, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला। नंबर 2, धर्मरथ के दो पहिए कौन से हैं। नंबर 3, मोहनदास के बचपन का नाम क्या था। नंबर 4, एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए, सूर्य, रात, गंगा। नंबर 5, आँख में धूल झोंकना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 6, राजपुत्र प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करता है, वाक्य में से सामासिक शब्द पद छाटिए। प्रश्न नंबर 4, लघुत्तरी प्रश्न। पहला है, आर्यभट्टी पुस्तक के कौन कौन से भाग हैं लिखिए। दूसरा है, दूसरे का अ, सजा शब्द का हिंदी मानक शब्द लिखिए। ब, तन्मयता शब्द में से प्रत्येक शब्द अलग कीजिए। स, बेबस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग को लिखिए। द, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ई, दीन शब्द का विलोम शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 3, निम्न अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी जीवन में समय का सदुपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यह समय जीवन की तैयारी का समय है। जो व्यक्ति इस काल में अपना समय व्यर्थ करते हैं, वे जीवन भर पछताते हैं। समय के सदुपयोग और दुरुपयोग के विषय में कहा जाता है, बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के अध्ययन में बीतता है, मूर्ख अपना समय निद्रा, कलह और व्यसन में बिताते हैं। प्रश्न नंबर अ, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ब, गद्यांश का सारांश लिखिए। प्रश्न नंबर 5, सौर वर्ष एवं चांद वर्ष में क्या अंतर है, अथवा डॉक्टर गौर भामाशाह भाभाशाह क्यों कहलाए। प्रश्न नंबर 6, धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए, अथवा यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे। प्रश्न नंबर 7, गांधी जी की आदर्श गांव कल्पना क्या थी लिखिए, अथवा बुंदेला विद्रोह क्या है इसे स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 8, पुस्तकें खरीदने हेतु रुपए भेजने का आग्रह करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए, अथवा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित गद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, व्याख्या लिखिए। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बाढ़ देती है, आधा इधर और आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। अथवा विद्या से विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का समन होता है। मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पदांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। रणभेरी सुन सुन विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, जल कण कुछ ढुलक रहे होंगे। अथवा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो,
जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। प्रश्न नंबर 11, नन्ना सत्याग्रही अथवा याचक और दाता कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, मेरा विद्यालय ऐसा हो, छात्र जीवन में योग का महत्व, कोई राष्ट्रीय त्यौहार, किसी देखे हुए मेले का वर्णन करो। तो आपने देखा ये वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय हिंदी विशिष्ट सैंपल पेपर 4। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।